ये फॉरबिसगंज का नजारा है। ऐतिहासिक महावीरी झंडा शोभा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जुलूस की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये परंपरा पिछले 118 वर्षों से जारी है। भगवान श्री कृष्ण के छठी के उपलक्ष पर महावीरी झंडा शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ सांसद प्रदीप सिंह, विधायक विद्यासागर केसरी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा उत्सव को लेकर पूरे शहर में रौनक है। इस मौके पर कई आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष रूप से कई जगह कच्चे चना व ठंडे पेयजल का स्टॉल भी लगाया गया था। बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। महावीरी झंडा शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। 118 वर्ष की परंपरा को संजोए हुए यह प्रत्येक वर्ष भगवान कृष्ण के जन्म के 8वें दिन श्री राम के भक्त हनुमान जी के झंडे का यह उत्सव मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है, पवित्र भाव से मनाया जाता है और यह हमेशा याद दिलाता है कि भगवान श्री राम और हनुमान का जो भक्त और भगवान का जो संबंध अनोखा था उसको भी याद दिलाता है, मर्यादा का आपस के मेल जोल का दिलाता है, परंपराओं को दिलाता है, भारत की संस्कृति और सभ्यता की अमर कहानी को कहता है और एक साथ सब मिलकर लाखों की संख्या में यहाँ महावीर झंडा लेकर निकलते हैं। हम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, उस हनुमान से प्रार्थना करते हैं जो बावड़ा किलाए में अर्जुन के भक्त पर जाकर रथ के ऊपर विराजमान में जाओ, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों का कल्याण करें और जो ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने जो भविष्यवाणी की है